आप सभी का स्वागत है, और हाँ बधाई हो। बधाई इसीलिए क्योंकि हर वो शख्स जिसने इस वक्त भगवद गीता के इस ऑडियो पर क्लिक कर अपने आप को भगवद गीता के इस सफर से जोड़ने का मन बनाया है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अपनी सफलता की ओर, अपनी शांति की ओर और अपने जीवन में सुख समृद्धि की ओर आपने अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। आगे का सफर हम साथ निभाएंगे। मैं अंत तक बने रहूंगा आपके साथ। आप ही का अपना राज, राज की जुबानी, ओनली ऑन कुकू FM, सुने जो मन चाहे। आज हम जानेंगे सार श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई स्वर्ण वाणी, जिसे संपूर्ण विश्व कहता है भगवत गीता। आज हम जानेंगे भगवत गीता के ऐसे 11 पाठ जो हम अपने जीवन में सद्भावपूर्ण, अच्छी आदतों के तौर पर और अच्छे विचारों के तौर पर अपनाकर जीवन के चक्र को हमेशा के लिए बेहतरता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ्य प्रथम भगवत गीता के अध्याय से ये सीख देते हुए कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल, डू योर वर्क एंड फोकस नॉट ऑन द रिजल्ट। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। मान लेते हैं कि आपने अपने मन में एक लक्ष्य को ठान लिया है, अपने कंपनी में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन को हासिल करना। हम यहां उदाहरण लेंगे एक CEO का, मेरा मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपका सपना है कि आने वाले 5 सालों में मैं अपनी वर्तमान स्थिति से उठकर कुछ ऐसा श्रम कर जाऊं कि मुझे इस कंपनी में CEO का पद प्रदान किया जाए। मगर क्या लगता है आपको कि यह हासिल करना इतना आसान है? उत्तर साफ और सटीक है, ना। इसके लिए आपको जीतोड़ मेहनत और तैयारी करनी होगी। आपको इस पद के लिए खुद को लायक बनाने हेतु टीम मैनेजमेंट क्लासेस अटेंड करनी होगी। एक बांस की नजर रखते हुए, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एन ईगल्स आई, सारे लेटेस्ट और रीसेंट टेक ट्रेंड्स और भी बहुत कुछ अपने ध्यान में रखना होगा। अगर आप अपना वक्त यूं ही वाया कर देंगे, यूं ही बर्बाद कर देंगे ये सोचते हुए या ये स्वप्न देखते हुए कि मुझे CEO बनने के बाद जीवन में और कितनी समृद्धि की प्राप्ति होगी, तो मैं यहां पर आपको जिंदगी की असलियत से रूबरू करता हूं। आप केवल ख्याली पुलाव पकाने में लगे हुए हैं और दुर्भाग्यवश आप अपना यह सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल कर्म ही आपके सपने को सच्चाई का रूप दे पाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें, जिसे आना होगा वो आएगा, जिसे जाना होगा वो जाएगा। कई बार आपके खाते में सफलता आएगी तो कई बार विफलता, मगर एक चीज जो आपने नहीं छोड़नी है, जो आपको शून्य से लेकर आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म है। इसलिए श्री कृष्ण वाणी भगवद गीता के माध्यम से कहती है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवद गीता से दूसरी सीख जानने के लिए, जो कहती है कि डर का सामना डट कर करो और आखिरी सांस तक लड़ो। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए दूसरा अंश जरूर सुनिएगा। पाठ्यक्रम द्वितीय भगवद गीता के अध्याय से सीख देते हुए, Human life is full of battles. Never shirk and fear. Fight to the last. Stand your ground. ऊपर वाले ने हर एक इंसान को बनाते हुए एक अलग अंदाज से और हर एक को अपनी अलग खूबियों का उपहार देते हुए अपने आप में सभी को एक यूनिक मास्टरपीस बनाया है। यहां हम उदाहरण लेंगे भारत के वीर योद्धा महाराज पृथ्वीराज चौहान का, जिन्होंने मोहम्मद घोरी से शिकस्त पाने के बावजूद अपने मन से खुद को कभी भी हारा हुआ नहीं माना। वो अपने मन में आखिर दम तक एक महाराज ही रहे। घोरी ने जब उनकी आंखें फोड़ दी
और भरे मंच में उनका तमाशा बनाकर उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने का आदेश दिया तो महाराज पृथ्वीराज चौहान ने आवाज सुनकर लक्ष्य को भेदने की अपनी खासी काबिलियत यूनिक एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए संकट को अवसर में बदला और मोहम्मद घोरी के सर को अपने शब्द भेदी बाण की कला से कलम किया। वो डरे नहीं, आखिरी लम्हे तक वो डटे रहे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे से स्वयं ही अपने जीवन का बलिदान दिया, ये साबित करते हुए कि he fought to the last and he stood his ground। आखिर दम तक लड़े और अपने जमीर का इतना सा भी कतरा उन्होंने डर के बावजूद कभी कमजोर पड़ने नहीं दिया। एक इंसान का भय और उसकी इच्छाएं ही उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है और उसके प्रगति पथ पर एक रोड़े का काम करती है। भगवत गीता से इस पाठ को ध्यान रखिएगा, डरे नहीं, स्वयं पर विश्वास रखे और आखिर दम तक लड़े। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवत गीता से तीसरी सीख जानने के लिए, जो कहती है कि समानता को पहचाने और अपनाए। भला क्यों और कैसे ये जानने के लिए तीसरा अंश जरूर सुनने का। पाठ्य तृतीय भगवद गीता के अध्याय से ये सीख देते हुए आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट इक्वालिटी इन लाइफ। इस कथनी को समझ पाना थोड़ा सा जटिल है और इसका पालन करना तो और, लेकिन बेशक जिंदगी में ये सीख आपको ज्ञान प्राप्ति के पथ पर हमेशा काम आएगी, जहां बात होगी नॉलेज अचीव करने की। जीवन में कई सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद आपको समझ आएगा कि सारे जीव जंतु, चाहे वो जीव हो या निर्जीव, सभी एक है, सभी समान है और सभी को एक ही दर्जे से देखा जाना चाहिए और महसूस किया जाना चाहिए। परिस्थिति स्थिति भले ही कोई भी क्यों ना हो, दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि अगर आपने दुख नहीं सहा तो आप सुख का मूल्य कभी नहीं समझ पाएंगे, और अगर आपने हमेशा सुख में ही आनंद लिया तो दुख के दो क्षण भी आपके ऊपर पहाड़ जैसे टूट पड़ेंगे। तो सुख और दुख, इसी का नाम जिंदगी है, और दोनों में हंसते गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते जाना है। हमारे देश के अपने भारतीय क्रांतिकारी एक छोटे से समय में अपने जीवन के सबसे दर्दनाक और दुखद लम्हे को भी सबसे खुशनुमा और सबसे गौरव से भरा हुआ लम्हा मानकर अपने फांसी के फंदे को देखकर मुस्कुराते हुए हंसते हंसते तख्ते पर चल दिए और शहादत को प्राप्त हुए। सुख में भी सुख और दुख में भी सुख, यही है जीवन की परिभाषा, और जिसने इसे समझा और इसका पालन किया वो महापराक्रमी आज सदी के महापुरुष बनकर हमारे आदर्श बने हुए। शरीर मरता है, आत्मा नहीं, विचार नहीं, वो अमर है और यही परम सत्य है। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवद गीता से चौथी सीख जानने के लिए, जो कहती है कि इच्छाएं तो मन में आएंगी और जाएंगी, भला इनसे कैसे और क्यों बचे ये जानने के लिए चौथी सीख जरूर सुनिए। पाठ्य चार भगवद गीता के अध्याय से सीख देते हुए कि डिजायर्स विल कम टू योर माइंड एंड गो। इच्छाएं और आकांक्षाएं तो अपने मन में आएंगी और जाएंगी, मन का क्या है, वो तो चंचल है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, हम इंसान हैं। हमें इच्छाओं का आना और आकांक्षाओं का आना इस बीमारी से आज तक अपने आप को इस जीवन काल में पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं बचा सका, बड़ी आम सी बात है। मगर ये तो इच्छाएं हैं, ये तो आती है और वक्त के साथ साथ चली भी जाती है। उदाहरण के तौर पर चलिए आप ही का ले लेते हैं। जब आप 5 साल के थे तब आपको अपने मम्मी पापा से चॉकलेट चाहिए होती थी। जब आप 10 साल के हुए
तो पोकेमोन वाला वो बैट, फिर आप 15 के हुए तो शायद अपनी पसंद का मोबाइल फोन या नए जूते, और अब आप 20 के हो चुके हैं, कॉलेज आते जाते हैं तो अब आपको चाहिए अपनी स्कूटी या बाइक। जीवन के चार अलग अलग फेज, और चारों फेजेस में आपका मन और उसकी चंचलता अपनी अलग अलग इच्छाओं और आकांक्षाओं से घिरती हुई। अब आपको चॉकलेट नहीं चाहिए, अब आपको पोकेमोन वाला बैग नहीं चाहिए, अब आपको चाहिए कुछ और। तो बस बात हुई ना सिंपल सी, कि इच्छाएं आती है और इच्छाएं वक्त के साथ साथ चली भी जाती है। क्या जरूरी है कि इन इच्छाओं को अपने ऊपर हावी ना होने देना। भगवत गीता आपको ये समझाती है कि जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो, जीवन के कार्यक्रम का मजा ले। लेकिन याद रखें, इच्छा पूर्ति के लिए बुरे काम काज करना जिसमें आपका कोई मत हो और आपको खुशी मिलती हो, तो ऐसी इच्छा रखना और ऐसी आकांक्षाओं को पालना खतरे से खाली नहीं है और जीवन के लिए घातक है। और अगर इसकी चेन में आप फंस गए, गंतव्य केवल एक है कि आप हो जाएंगे शून्य, यानी कि गायब इस पृथ्वी से, और आपका अंत होगा दुखद, हानि के साथ और बहुत ही तकलीफ में। और परिणाम केवल एक, रीबर्थ, यानी कि पुनर्जन्म किसी और शरीर में। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवत गीता से पांचवी सीख जानने के लिए, जो कहती है कि पैसा आपके मन को शांति नहीं दे सकता। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए पांचवी सीख जरूर सुनिएगा। पाठ्य पांच, भगवत गीता के अध्याय से ये सीख देते हुए, अ माइंड फुल ऑफ थॉट्स अबाउट मनी कैनॉट कॉन्सेंट्रेट नॉर मेडिटेट। एक ऐसा मन जो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ पैसों के विचारों से भरा हुआ हो, वो मन न कभी ध्यान लगा सकता है और ना ही शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता के हर खंड में और कहीं पन्नों पर रुख किया गया है इस शब्द का, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेडिटेशन और हिंदी में कहते हैं साधना, ध्यान लगाना। और ये एक ऐसा नॉन फिजिकल एक्टिविटी है, यानी कि जिसमें शरीर की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो आपको अपने अंदर के इनर पीस से जोड़ता है, जो आवाज आपके भीतर वास करती है, और उस अंतर आवाज को जो शांति का प्रतीक है, आप उसे केवल तब सुन पाएंगे, तब महसूस कर पाएंगे, जब आप अपने मन को एकदम एकांत, मोहमाया से दूर, एकदम शांत और खाली रख सके। पैसे के पीछे भागना और पैसों को पाने के ये जो विचार उत्पन्न होते रहते हैं बार बार, जब तक ये आपके मन की शांति के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, आप इनर पीस, अपने आप में, अंतरात्मा में कभी शांति को नहीं पा सकेंगे। आपका मन हमेशा स्थिर रहेगा और मेडिटेशन यानी कि ध्यान की पहुंच से मीलों दूर। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो कुछ यूं समझिए कि हम अक्सर जीवन में ऐसे कई लोगों को देखते हैं जिनके जीवन में सब कुछ होता है, धन दौलत शानो शौकत आराम और न जाने किस किस प्रकार के सांसारिक सुख, वर्ल्डली प्लेजर्स इनके हाथों की मुट्ठी में बंद होते हैं। इनके पास धन का तो आशीर्वाद है, मगर फिर भी इन्हें शांति नहीं मिलती। इनके पास सब कुछ होते हुए भी ये उदास होते हैं, मायूस होते हैं, और अपने बंगले की बड़ी बड़ी दीवारों के बीच अकेला महसूस करते हैं, सन्नाटे की गूंज में कैद, क्योंकि इनका मन और मस्तिष्क धन प्राप्ति की ओर इतना लग चुका है और इतना लग जाता है कि इन्हें अपने लिए और अपनी शांति के लिए कोई वक्त ही नहीं मिल पाता, और उनके मन में कभी कोई जगह उत्पन्न नहीं हो पाती। धन जरूरी है, मगर शांति सर्वोपरि। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवत गीता से छठी सीख जानने के लिए, जो कहती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए ये छठवीं कड़ी जरूर सुनिएगा।
पाठ्य 6 भगवत गीता के अध्याय से ये सीख देते हुए, व्हाटएवर हैज हैपेंड इज ओनली फॉर द गुड फ्यूचर, द एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग एट प्रेजेंट आर ऑल्सो फॉर अ गुड कॉज, द हैपनिंग्स इन द फ्यूचर दे आर ऑल्सो फॉर अ गुड फ्यूचर। जो हो रहा है वो भी सही है, जो हो चुका है वो भी सही है, और जो भी होने वाला है वो भी सही के लिए ही हो रहा है। कम शब्द में सटीक अर्थ के साथ कि आपका भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल इसी विचारधारा पर स्थित है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं आशा करता हूं कि ये वाक्य आपको समझ आया होगा। ये इस बिंदु पर उजाला डाल रहा है कि आपका कर्म कभी नहीं रुकना चाहिए, भले ही परिणाम कैसा भी हो, सफलता असफलता जो भी, रुकना नहीं है, उसके लिए पछतावा नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी ड्यूटी, जो सबसे बुरा आप कर सकते हैं वो ये है कि अपने परिणाम के लिए, अपनी स्थिति के लिए किसी और पर दोषारोपण करना एक बदले की भावना से। समझिए और इस बात पर गौर करिए कि इस जीवन में जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है, एक बड़ी शक्ति का हाथ है उसके पीछे, और आपको इंसानी जीवन का महत्व समझाने के लिए। इस संसार में कई जीव जंतु है, कई पशु है, कई मानव है, कई निर्जीव वस्तुएं हैं, लेकिन कोई भी उनकी किस्मत नहीं बदल सकता। जिसके जीवन में जो होना लिखा है वो होके रहेगा। नसीब अपना अपना, अंग्रेजी में इस शब्द को कहा जाता है डेस्टिनी। इफ इट्स मेंट टू बी इट विल बी, अगर उसे होना है तो वो होके रहेगा। तो कृपया करके मैं आपसे ये विनती करना चाहूंगा कि अपने सफर पर आपने आज तक जितना भी तय किया है, खुद पर गौरव करें, खुद से प्रसन्न रहे, और छोटी मोटी असफलताओं को और जीवन की इस धुन पर नाचे ऐसा कि आपके चेहरे पर खुशी हो, ना ही नाराजगी और ना दुख। आप खुद समझिए कि जीवन में कभी कभी समय बहुत अच्छा चलता है तो सभी लोग पूछते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आता है जब वक्त बहुत खराब चलता है और अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। क्या करें, यही जीवन का चक्का है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। कोई मूर्ख ही होगा जो अपने भूतकाल पर अभी भी अटका हुआ है, क्योंकि जिंदगी एक ऐसी कड़ी है कि जिसे आप पीछे जाकर ठीक नहीं कर सकते। जहां और जिस वक्त और जिस परिस्थिति में हो वहीं से ही ठीक करना होता है, और आपका आज ही आपके आने वाले कल को आकार देता है। तो भूतकाल की चिंता छोड़े, भविष्य के बारे में सोच सोच कर भयभीत ना हो, आज पर ध्यान दे और आपका कल, आज और भविष्य अपने आप सुखी हो जाएगा। उदाहरण देना चाहूंगा सदी के महानायक और इस देश के महान अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन का। एक दौर था जब इनके नाम का सिक्का चलता था और केवल इनका नाम ही काफी था किसी पिक्चर पर हाउसफुल का बोर्ड लगने के लिए। 70, 80, 90 का दशक तक ठीक ठाक सब कुछ चला, मगर एक ऐसा वक्त आया जब उन्होंने एक अपनी कंपनी खोली जिसका नाम था ABC, और ये दिवालिया हो गए क्योंकि वो कंपनी डूब गई। तब इनकी हालत बहुत ही नाजुक थी, ऐसी नौबत आ गई कि घर भी गिरवी रखना पड़ा। तब क्या इन्होंने ये सोचा कि मैं तो इतना बड़ा सुपरस्टार रहा हूं, मेरी ये हालत कैसी हो गई? या इन्होंने इस पर गौर किया कि यार अब मैं आगे अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा, क्या लोग मुझे दोबारा सुपरस्टार मानेंगे या नहीं? उन्होंने ऐसे सारे विचारों को, नेगेटिव विचारों को अपने मन से दूर रखकर एक विनम्र और सादर भाव से अपने मित्र यश जौहर के पास जाकर खुद काम मांगा, ये कहकर कि मुझे काम चाहिए। उन्होंने अपने आज पर ध्यान दिया, उन्होंने अपने आज की इज्जत की, और शाहरुख खान के साथ मोहब्बतें पिक्चर बनाकर उन्होंने अपने आज को संवारा। द रेस्ट इज हिस्ट्री। KBC ने उन्हें अपनी आवाज के तौर पर अपनाया और आज 20 साल बाद भी 75 साल के ऊपर होने के बावजूद इस सदी के महानायक और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता के तौर पर आज भी तामील है और इस्तकबाल है, और इनका सिक्का आज भी बुलंद है। नाम है अमिताभ बच्चन, जिसने अपने आज पर ध्यान दिया एक विनम्र और एक सादर भाव से। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवद गीता से सातवीं सीख जानने के लिए, जो कहती है परिवर्तन ही संसार का नियम है। भला क्यों और कैसे ये जानने के लिए ये सातवां अंश जरूर सुनिएगा।
पाठ्य सात भगवत गीता के अध्याय से सीख देते हुए कि चेंज इज परमानेंट, दिस इज यूनिवर्सल लॉ, यू कैन आइदर बिकम अ बिलियनियर और अ पॉपर इन अ सेकेंड। इस संसार का यही नियम है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, बदलाव हमेशा होते रहेगा। आप राजा से रंक, अर्श से फर्श सिर्फ एक क्षण मात्र में आ सकते। ज्यादातर जीवन में लोगों को ऐसा लगता है कि जो चल रहा है आगे भी वैसा ही चलेगा। अगर आज मैं अर्श पर हूं तो हमेशा मैं अर्श पर ही रहूंगा, मुझे कोई छू नहीं सकता। लेकिन नियति माया के खेल से बहुत बड़ी है और बहुत ऊंचा दर्जा रखती है, और ये खेल चंद सेकंड में पूरा का पूरा बदल सकती है। एक उदाहरण लेते हैं कि किसी करोड़पति इंसान ने अपने सारे पैसे किसी स्टॉक मार्केट में लगा लिए, और उसी दिन किसी गरीब इंसान ने अपने पास बचे हुए चंद रुपयों से एक लॉटरी की टिकट खरीद ली। पता चला कि दिन के अंत में वो स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ सारा पैसा डूब गया और उस गरीब की करोड़ों रुपयों की लॉटरी लग गई। कोई फर्श से अर्श तक चला गया और अर्श से फर्श तक चला गया पलक झपकते। यही है नियति का खेल और यही है संसार का नियम, परिवर्तन। जो आज आपके पास है जरूरी नहीं कि वो कल आप ही के पास होगा, वो किसी और के पास भी हो सकता है या उसके पास भी नहीं। मगर समझने वाली बात ये है, चेंज इज दी ओनली कॉन्स्टेंट। कल परसों तक एक अरबपति कहलाया जाने वाला विजय माल्या आज एक भागा हुआ चोर कहलाता है। बस यही है जीवन। हमारी धरती मां भी सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, एक सेकंड के लिए भी कहीं नहीं ठहरती, हमेशा घूमती रहती है, हमेशा अपना स्थान बदलती रहती है। तो जब इतने बड़े भूमंडल में, इतनी बड़ी पृथ्वी जब हर सेकंड हर क्षण बदलाव से गुजर रही है, तो हम कौन है भला। जिस तरह पतझड़ के बाद सावन आता है, तपती हुई गर्मी के बाद भीनी भीनी खुशबू के साथ वर्षा आती है, उसी तरह जीवन में भी ये बदलाव का चक्का हमेशा अपना असर दिखाता रहता है। इसलिए कभी भी किसी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, और घमंड एक ऐसा बचकानापन है जो आपके भरोसे की नींव को हिला कर रख सकता है, अगर आपने बदलाव को अपनाना नहीं सीखा। और जब आप बदलाव को जिस तरीके से वो है उस तरीके से अपनाने लगते हैं, उस वक्त और उस क्षण से आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो जीवन की किसी भी प्रकार की परिस्थिति तकलीफ को किसी भी तरीके से झेलने के काबिल बन जाते हैं। एक फौलाद रूपी दिमाग स्वरूप ये आपको और आपके मन को शांत रखता है और सही फैसले लेने में आपकी मदद करता है। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवद गीता से आठवीं सीख जानने के लिए, जो कहती है कि डर एक कमजोरी नहीं बल्कि विकलांगता है। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए इस आठवीं सीख को जरूर सुनिएगा। पाठ्य आठ भगवद गीता के अध्याय से ये सीख देते हुए कि फियर फैक्टर इज अ डिसेबिलिटी, डर एक कमजोरी है जो आपको मन से विकलांग बना सकता है। आप भले ही जीवन में कुछ भी पा ले, लेकिन अगर आपके मन में डर है तो सफलता का मूल्य नील मात्र भी नहीं, शून्य है। डर जो आपके मन में कहीं छुपा हुआ होता है, वह आपको अपनी ही नजर में एक शक के दायरे से देखने पर मजबूर करता है, जहां आपका चरित्र आप कमजोर पाते हैं। डर से घिरा हुआ यह आपको आपके लक्ष्य से हटा देगा। डर आपको ऐसा महसूस करवाएगा कि आप किसी लायक ही नहीं, यह आपके गंतव्य को आपसे छीन लेगा। मगर जिन्हें किसी बात का भय नहीं, जो अभय है, जिनकी उड़ान आसमान में है और जिन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा, उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। भविष्य का डर और आत्मसम्मान खो जाने का डर, यही दो रोड़े हैं जो आपको अपने जीवन के लक्ष्य से कभी मिलने नहीं देंगे। आखिरकार गब्बर भाई साहब भी कह गए कि जो डर गया
समझो मर गया। हंसने हंसाने की बात और है, लेकिन अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, एक ऐसा सिपाही जिन्हें इनकी शहादत उपरांत, बलिदान उपरांत भारतीय सेना के सबसे बड़े गौरव से नवाजा गया, इसका नाम है परमवीर चक्र। तारीख थी 10 सितंबर और 1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना ने धावा कह दिया हिंदुस्तानी बॉर्डर में घुसकर अपनी पैटन पैंजर टैंक्स के द्वारा। इंडियन ट्रूप्स, भारतीय सेना की कुछ टुकड़ियां इतनी भयानक दहशतगर्दी मचाकर आती हुई टैंकों को देखकर भयभीत हो गए और पीछे की तरफ हटने लगे। ये देखकर आरसीएल गन के कमांडर हवलदार अब्दुल हमीद अपनी जान की परवाह ना करते हुए भय मुक्त अपनी जीप पर इस गन को बांधे हुए दुश्मन टैंक को तबाह करने की ओर बढ़ चले। और होता क्या है, इन्होंने सबसे पहले आती हुई लीडिंग टैंक को अपना निशाना बनाकर ब्लास्ट करते हुए धुआ धुआ कर दिया। इतने में दूसरी टैंक की नजर इन पर गई और जैसे ही उन्होंने उसे भी अपना टारगेट बनाया, सामने से जवाब फायरिंग में इनकी तरफ एक बहुत एक्सप्लोजिव शेल आ गिरा और ये वीरगति को प्राप्त हुए, मगर उन्होंने उस टैंक को भी तहस नहस कर दिया। इनके इस पराक्रम, इस साहस को देखकर इनकी बाकी टुकड़ियों, इनके बाकी साथियों को भी हिम्मत आई, इनके मन से भय निकला और इन्होंने धावा बोला पाकिस्तानी टैंकों पर और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी हर बार की तरह। ये अब्दुल हमीद एक इंसान की अकेली की हिम्मत थी, एक अकेले की ताकत थी जो इतने अभय हुए, जिन्होंने अपने मन में कण मात्र भी भय को जगह ना दी और वीर गति को प्राप्त होकर परमवीर चक्र का गौरव प्राप्त किया। भय आपके मन को विकलांग बनाता है, इससे बचिए और आगे बढ़िए। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवद गीता से नवी सीख जानने के लिए, जो कहती है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए इस नवे अंश को जरूर सुनिएगा। पाठ्य 9, भगवत गीता के अध्याय से सीख देते हुए, यू आर बॉर्न एम्प्टी हैंडेड एंड यू विल लीव दिस मदर अर्थ एम्प्टी हैंडेड। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाना है, बस यही है सीख। और इंसान का जीवन है क्या, जब ऊपर वाले ने भेजा तो खाली हाथ भेजा, नंगा, और जब हम जाएंगे भी, कोई मिट्टी में समा जाएगा, कोई धुआं बनकर उड़ जाएगा, तभी भी हम बस अपने आप ही होंगे और हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला, ना हमारी प्रॉपर्टी, ना हमारे कपड़े, ना हमारा कमाया हुआ धन या हमारी अकड़, जैसे आए थे बस वैसे ही मिल जाएंगे प्रकृति की गोद में। और मेरे हिसाब से इसका तो उदाहरण देना भी ठीक नहीं बनता है, क्योंकि ये बहुत सामान्य सी बात है, ये रोजमर्रा की जिंदगी का आईना है और हमें हमेशा अपने मन में इस बात को ठान कर रख लेना चाहिए कि जो भी है ऊपर वाले की दया से है और हमारे कर्म से है, और जब नहीं भी होगा तो भी ऊपर वाले का ही आशीर्वाद समझकर परिस्थिति का सामना करते हुए कर्म करते रहना है। तो ये दुनिया एक बहुत बड़ा रंगमंच है और हम इस रंगमंच की कठपुतलियां, जब तक शो चलेगा तब तक हमारा सफर चलेगा, क्या कमाएंगे क्या गवाएंगे, लेकिन जब जाने की बारी आएगी तब तो नंगे ही आए थे और नंगे ही जाएंगे, वो भी खाली हाथ। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवद गीता से 10वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है कि हवस, गुस्सा और लालच सबसे बड़े दुश्मन है, भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए 10वीं सीख को जरूर सुनिएगा। पाठ्य 10, भगवद गीता के अध्याय से ये सीख देते हुए कि लस्ट, एंगर एज वेल ग्रीड आर वेज टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन, हवस, गुस्सा और लालच आपको तबाह करके रख देगा।
अपने इंद्रियाओं पर कोई काबू ना होना और अपने मन को हवस की गंदी नाली में गिरता हुआ पाना आपको कुछ इस रूप में बदल देगा जिससे आपको खुद घिनाने लगेगी। गुस्सा आपके रिश्तों को तोड़ देगा और लालच लालच कभी भी आपके मन को शांत नहीं रहने देगा। इससे शरीर में भी बहुत तकलीफें होती है, बहुत बीमारियों का प्रदापण होता है। कृपया इन तीन परम अवगुणों से बचकर रहे, क्योंकि आज तक इंसानियत की तबाही का कारण ये तीन अवगुण ही रहे हैं। इसका उदाहरण हर वो बलात्कारी है, हर वो कपूत है जिसने अपनी हवस का गुलाम बनकर किसी और मासूम की जिंदगी उजाड़ दी और या तो आज कटघरे के पीछे है या फिर फांसी का इंतजार करते हुए। इसका उदाहरण हर वो गुस्सैल व्यक्ति है जिसके साथ आज कोई नहीं, क्योंकि उसका गुस्सा उसे सबसे ज्यादा प्यारा है, यहां तक कि रिश्तों से भी ज्यादा। और इसका उदाहरण हर वो इंसान है जो बर्बाद हो चुका है और आज रोड पर है अपने लालच के चलते। हवस, गुस्सा और लालच, ये तीन बीमारियां ना हो तो ही अच्छा है। कैंसर को भले ही हरा दोगे लेकिन अगर इन तीनों की चपेट में आ गए तो जीवन खत्म, निरर्थ। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवद गीता से 11वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है, किधरा मन जो सोचे वही तेरी सच्चाई, भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए 11वीं एवं अंतिम सीख जरूर सुनिएगा। पाठ्य 11वां, भगवद गीता के अध्याय से सीख देते हुए कि अ मैन मेक्स हिज लाइफ बेस्ड ऑन हिज ओन बिलीव्स। तेरा मन जो सोचे वही तेरी सच्चाई। किसी मनुष्य के विचार ही उसके जीवन को आकार देते हैं। अगर आपके विचार खुश होंगे और एक ऊर्जा से भरे हुए होंगे तो भले ही जीवन में कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आन पड़े, आप उसका सामना एक सिकंदर की तरह करेंगे और मुस्कुराहट के साथ उसे एक अलविदा भी कह देंगे। और भले ही आपका जीवन कितना ही संपूर्ण संपन्न और भव्य क्यों ना हो, मगर आपका मन ऐसे विचारों से भरा हुआ है जो आपको नीचे खींचता है, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ढकेलता है, तो भले ही आप ताजमहल में बैठकर चांदी के चम्मच से ही क्यों ना खाना खा रहे हो, मगर आप मन से उदास और निराश ही नजर आए। भले ही किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, आसमान की ऊंचाई आपके कदम चूम रही हो, और अगर आपके दिमाग में रिवेंज हो, बदले की भावना हो, तो उस खुशी के माहौल में भी गम का आगमन बेझिझक हो जाएगा। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि आपका मन, आपके विचार ही आपके जीवन को आकार देते हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। तो अच्छा सोचे, अपने मन को सकारात्मकता से भर दीजिए और नकारात्मकता के लिए सीधा नो एंट्री बोर्ड। शाहरुख खान, साल था 1990, खड़े थे मरीन लाइंस पर समुद्र को देखते हुए, न सोने का ठिकाना न जेब में पैसे, क्या किया जाए। खड़े होकर बस ये कह दिया कि एक दिन मैं शहर पर राज करूंगा। ये उनका विश्वास था, ये उनका अपने आप से एक वादा था और ये उनका सपना था जिसके लिए उन्होंने हर दिन कड़ी मेहनत की और अपने विचारों को कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। और आज वी ऑल नो हिम एज किंग खान। जो आप सोचेंगे वही आप अट्रैक्ट करेंगे, और जो आप अट्रैक्ट करेंगे वही आपके एक्शंस बनेंगे, और जो आपका कर्म होगा